तो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा जो दावत था, काबिर भाई के पास दावत था, तो इस दस्तरखान भी रेडी है, बैठेंगे खाएंगे। और क्या है ना कि यार जब छुट्टी होता है ना हॉलीडे के टाइम, रूटीन एकदम डगमगा जाता है, तो रात में सही से सो नहीं पाए, सुबह नींद जल्दी टूट गया, तो अभी नींद आ रहा है, तो खाएंगे और उसके बाद सोएंगे। ब्लॉग गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ आसिफ खान, आप देख रहे हो आसिफ खान ब्लॉग सॉरी गाइस। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, तो आप लोग भी देखिएगा। तो ईद का दूसरा दिन है, तीसरा दिन कतर में, इंडिया में दूसरा दिन है। तो बाकी सब कैसे हैं आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। बिरयानी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? तो नूर भाई साथ में है। नूर भाई अभी जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे पता है? एक हमारे गाँव के दोस्त हैं, पहले नूर भाई के साथ रहते थे, अभी उन्होंने कंपनी चेंज किया है, लोकली ट्रांसफर लिया है यहाँ से दूसरी कंपनी में, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने दावत दिया है आज का। तो होप सो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, चैनल पे नए हो तो यार एक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बाकी मर्जी आप लोगों की। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, हम लोग जा रहे हैं 15 नंबर। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट नंबर 15। तो ये हम लोग अलतिया के पास में ही है, और आप लोग को दिखा दूँ कितना ज़बरदस्त, और वेदर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है वेदर हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ से अभी हम लोग स्पेशल कुछ बनाया है, अब खाएंगे खाना, दावत है तो भाई खाना खाना ही है। तो साथ में नूर भी है, और अभी हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद से देखते हैं वो बंदा कहाँ पे है, और फिर वो हम लोग को कॉल, वो लैंडमार्क तो बता दिया था, लैंडमार्क यही है। अभी देखिए उसका कॉल लग गया है, हम लोग को सिग्नल क्रॉस करके जाना है गाइज, और सिग्नल क्रॉस करने का वाहिद ज़रिया आप जेब्रा क्रॉसिंग करिए। आप जेब्रा क्रॉसिंग करेंगे तो एक चीज़ और बेहतर रहेगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा, यहाँ पर रोड ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं पर भी आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग ही करना चाहिए आप लोगों को। तो गाइज़ अभी मैं हम लोग जा रहे हैं उसके रूम पे, और देखिए इंडस्ट्रियल एरिया 15 नंबर स्ट्रीट पे हम लोग आए हैं, और जहाँ मैं रहता हूँ ये मेरा दोस्त नूर रहता है, हम लोग एक ही है, मेरा नूर क्लासमेट है, हम लोग बचपन में साथ में ही पढ़ाई किए थे मदरसा में, और उसके बाद से फिर मैं मुंबई में पढ़ाई किया आगे का, तो ये लोग यहीं रह गए। फिर बाद में फिर मैं आके 10वीं के बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया यूपी में पढ़ाई करना, तो वो आपको बाद में कभी फुर्सत में बताऊंगा पूरी जर्नी जब इंडिया जाएंगे तब। तब तक के लिए आप लोग देखिए ये ब्लॉग, और थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। तो हमारा भाई मिल गया है, साबिर अली अंसारी इनका नाम है, और ये हमारे गांव के ही हैं, पहले नूर के साथ ये रहता था, नूर की कंपनी में काम करता था, अभी इसने कंपनी चेंज लिया है, इसकी कंपनी से इसको NOC मिल गया था तो ये चेंज ले लिया है, दूसरी कंपनी में आया है, अच्छी सैलरी भी होगी भाई बंदे की। तो इसने हम लोग को दावत दिया था, तो अब इसके रूम पे हम लोग चल रहे हैं, तो आप लोग को रूम पे लेके चलता हूँ, और देख लेना कैसा इसका अरेंजमेंट आज करके दिखाता है हम लोगों को। तो भाई इंडियन कहीं भी रहते हैं तो मेहमान नवाजी में कमी नहीं रखते हैं, चाहे वो कहीं कोई भी कोने से हो। तो इस भाई ने भी शॉप में गया, और यहाँ पर ये बकाला है इसके रूम के पास में, और ये नमकीन है, नीमको उनको ख़रीदने लगा, तो मैंने इसको मना किया भाई कि कुछ ज़रूरत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि खाएंगे तो नॉन वेज है, जाहिर सी बात तो कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नीमको उनको तो नहीं, मेरे को नहीं लगता है उतना, बहुत कम, ना के बराबर। तो ये यहाँ का वकाला है, वकाला मीन्स एक शॉप, मतलब छोटा सा शॉप है, छोटा सा क्या, देख लीजिए ज़रूरत के हर सामान यहाँ पर है, और आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइज़ अभी हम लोग ले लिए जो भी लेना था,
और मैंने फिर भी मना किया, मैं बोला क्या इतना ज़रूरी नहीं है खर्चा करना। और सुबह भी हम लोग नाश्ता कर लिए थे और नाश्ता करके 2 घंटे बाद ही हम लोग जस्ट इसके पास आ गए। तो फिर यहाँ पे थोड़ा रुक के हम लोग खाना खाएंगे। और अकोमोडेशन देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन अकोमोडेशन है। साबिर भाई के कंपनी ने उसको बहुत ही अच्छा अकोमोडेशन दिया है। इसको देखने के बाद एकदम फील आ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर्स कैंप है ना, लेबर सिटी नाम का जो ग्रैंड मॉल के पास है, एशियन टाउन जिसे कहते हैं, सेम टू सेम मैं रहा हूँ वहाँ पे, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है ये। और ये देखिए यहाँ पे चौकीदार एक बैठा है, यह है हमारा इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड। तो अभी हम जा रहे हैं साबिर भाई के रूम में। साबिर भाई के रूम में जाने के लिए लिफ्ट भी था लेकिन सेकेंड फ्लोर पर थे, तो बोले चलो भाई सीढ़ी से ही चढ़ जाते हैं। थोड़ा तो खाना जो खाए हैं मॉर्निंग का नाश्ता किए हैं वो तो हज़म हो जाएगा, फिर बाद में जो साबिर भाई बनाया वो हम लोग खाएंगे दबा के। ठीक है तो गाइज, तो अब चलता हूँ आप लोगों को रूम में लेके। साबिर भाई के रूम देखिए कैसा है, और आप लोग कमेंट करना और यार सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो मुझे कि मैं भी थोड़ा कुछ करूँ अपनी लाइफ फ्यूचर में अच्छा, और वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को कतर का। अस्सलाम वालेकुम। एक रूम का टूर दे दे। तो गाइस आ गए हम लोग इनके रूम पे और खातिरदारी में देखो लग गए। तो इंडियन कभी भी मेहमान नवाजी नहीं बोलते हैं। तो गाइस देखिए हमारे लिए सेवई बन के रेडी है, सेवई खा रहे हैं। नूर भाई टूट गए सेवई पे। चलिए बताइए सेवई कैसा बना है खाके। खाओ पहले, स्वादिष्ट है। तो गाइस बना कैसा भी हो स्वादिष्ट तो कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे भाई ने बनाया है हमारे लिए खास तौर पे। तो ईद का आखिरी दिन का सेवई है। जबरदस्त, बस कलर थोड़ा गर्म है लेकिन अच्छा है। मुश्किल है, एसी चालू कर दो ना। तो गाइस देखिए ये होता है खातिरदारी यहाँ पे। एसी रूम भी देख लिया आप लोगों ने, बस अब आगे थोड़ा बाद मिलते हैं आप लोगों से। दस्तरखान भी रेडी है, बैठेंगे खाएंगे। और क्या है ना कि यार जब छुट्टी होता है ना हॉलीडे के टाइम, रूटीन एकदम डगमगा जाता है। तो रात में सही से सो नहीं पाए, सुबह नींद जल्दी टूट गया, तो अभी नींद आ रहा है। तो खाएंगे और उसके बाद सोएंगे। और पहले तो आप लोगों को बता दूं क्या बनाया, आप लोग देखिए वीडियो में क्या बनाया आज साबिर भाई ने। चलिए भाई साबिर भाई, नूर भाई सोइए मत, अभी सोना है, खा के सोएंगे। बैठ चढ़ खाली है, बैठ जाइएगा। देखिए माशाल्लाह दस्तरखान बन गया, बैठ ये सुतना जी प्लीज चढ़ जी। तो गाइस दस्तरखान सज गया है, अब हम बैठ रहे हैं खाने के लिए। नूर भाई का भी प्लेट सामने पड़ा है, तो खाना बनाया है आई थिंक, देख लेते हैं क्या बनाया है। माशाल्लाह कौन कहता है कि मर्द खाना नहीं बनाता। अरे जिनको शक है वो मेरे YouTube चैनल पे आके विजिट करे, रेसिपी एक बार ट्राई करो और तब यकीन करोगे मेरा रेसिपी कैसा बनता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता। खैर जो भी है, अभी खाएंगे गर्मा गर्मा मटन कड़ी रोटी चावल। तो ये है मटन कड़ी, थोड़ा सा बस बहुत है यार। साथ में है कोल्ड ड्रिंक।
रोटी खोल। कैसा बना है भाई? और भाई मस्त बना है। कलर सही, कलर इतना जबरदस्त है ना। बिस्मिल्लाह। मसाला कितना जबरदस्त बैलेंस है। वो मसाला हरा वाला हरा मसाला में गाइस खाना बहुत अच्छा होता है, खासतौर पर नॉनवेज। इसको खत्म करेंगे, खत्म कर ले जल्दी जल्दी। तो खाना बहुत अच्छा बना था, हमने दबा के खाया है। देख लीजिए मेरा हालत, मैं अभी खा के जस्ट फिनिश किया हूँ। तो अभी थोड़ा हाथ धोने के बाद से सेवई बनाया, सेवई खाएंगे थोड़ा मीठा सुन्नत। साबुन भी है, साबुन भी है। साबिर भाई का किचन। भाई खाना खिलाए, बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। अरे चौकीदार, इतने सारे चौकीदार, हाय बोलो व्यूअर्स को, हाय बोलो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। साबिर भाई दस्तखान उठाते हुए और भोला भाई हमको कोल्ड ड्रिंक देते हुए। भोला भाई नूर भाई तो गाइस खाना बहुत जमकर हो गया है और इस ब्लॉग को भी अभी मैं इसी यही जगह पे एंड करता हूँ। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके उतना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।